DPS Senior Secondary School Tabiji लेकर आए हैं online classes from pre-nursery to class 12th. 50% discount on girls fees. Online admission open. Visit dpsajmer.in. अब प्रमोद भाई जी प्रभारी मंत्री प्रमोद भाई जी नमस्कार सर. नमस्कार सर. आपके आदेश की पालना में 9 तारीख को वीसी ली थी सभी अधिकारियों की और क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार सभी अधिकारी उसकी पालना कर रहे हैं, उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, सब मेहनत कर रहे हैं. साथ ही अजमेर शहर में दरगाह क्षेत्र मोती मोहल्ला में कोरोना के मरीज मिले थे. वहाँ घनी बस्ती है, घनी आबादी है, उसमें कुल पॉजिटिव 231 मिले हैं. रिकवरी 93 की हुई, 2 की डेथ हुई और वर्तमान में आज 138 केस अभी हैं. उसके लिए भी मेडिकल प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है और धीरे धीरे संख्या कम होती जा रही है. साथ ही जो वहाँ जायरीन अजमेर में फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए भी प्रशासन ने अच्छा प्रबंध किया. 4,395 जायरीन थे, उसमें से अभी तक 3,773 जायरीनों को भेजा जा चुका है और शेष जो बचे हैं 586 उनको भी भेजने की तैयारी की जा रही है. जहाँ तक पेयजल व्यवस्था की जो माननीय विधायकों ने बात उठाई उसके लिए मीटिंग में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कंटीजेंसी प्लान इनकी सुव्यवस्थित व्यवस्था की जाए और जहाँ जहाँ पानी की कमी है वहाँ उपलब्ध कराया जाए ताकि किसी को पेयजल की कोई समस्या नहीं आए. मनेरा का मैं श्रमिकों की कमी को देखते हुए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए कि श्रमिकों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को मजदूरी मिल सके. अजमेर में सभी जनप्रतिनिधि एनजीओ बामाशाह अधिकारीगण सब मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं. डीएमएफपी के लिए जो देवनानी जी ने जो बात कही जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन में 30% डीएमएफटी का फंड जो रिजर्व करने मेडिकल के लिए कोविड के लिए रिजर्व के आदेश जारी कर दिए गए हैं वो लगभग 20 करोड़ रुपए बैठते हैं और जहाँ जहाँ जिला प्रशासन को उसकी आवश्यकता महसूस होगी वो वहाँ उसका उपयोग उस हिसाब से कर सकेंगे.